670 रुपीज़ प्राइस जा चुकी है, 671 रुपीज़, 667 रुपीज़। हमारा जो टारगेट है वो 675 रुपीज़ का है। यहाँ पर हमारा टारगेट तक अचीव हो सकता है 6, और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है। आप सोच रहे हो कि कितना सरप्राइजिंग था ये। मैं हमेशा ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। हमने रैंडम ट्रेड्स लिए हैं, हमने स्ट्रेटजीज को टेस्ट किया है, लेकिन इस वीडियो में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये हमारा अब तक का सबसे मुश्किल एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इसमें हमें ये टेस्ट करना था कि अगर कोई व्यक्ति सेम मार्केट में सेम स्ट्राइक प्राइस पर सेम स्टॉप लॉस और सेम टारगेट के साथ वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन बाय करता है वर्सेस मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन बाय करता है तो किस में उसको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें हर बार एक ही टाइम पर दो ट्रेड लेने थे, दोनों के स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने थे। तो जब हमने अपना पहला ट्रेड लिया तो उसमें ही दिक्कत आ गई, और वो दिक्कत क्या थी चलिए लाइव ट्रेड में देखते हैं। तो चलिए अपना पहला ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं मंथली एक्सपायरी जो कि 27 मार्च की है उसका 46,200 का पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, और इसका मैं एक लॉट बाय कर रहा हूँ जिसकी अभी प्राइस चल रही है 477 रुपीज, और यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट होगा वो होगा 7.5%। तो इस हिसाब से जो हमारा टारगेट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 512 रुपीज, और जो हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है वो निकल कर आता है 441 रुपीज। तो चलिए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारा आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड है ये हमारी पोजीशन में आ चुका है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिकली लग चुका है। तो हम जल्दी से अपना अब वीकली एक्सपायरी वाला ट्रेड भी ले लेते हैं। 20 मार्च का 46,200 का ही पुट ऑप्शन बाय करेंगे जिसका एक लॉट हम बाय कर रहे हैं 326 रुपीज की प्राइस में। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 301 रुपीज का, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 350 रुपीज का। तो चलिए इस ट्रेड को भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्रेड है ये हमारा अभी पेंडिंग में नजर आ रहा है। प्राइस यहाँ पर 509 रुपीज पहुंच गई है, और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है जिसमें हमें 516 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर प्राइस इतनी तेजी से बढ़ी कि हमारा जो मंथली वाला ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन जो हमारा वीकली वाला ट्रेड था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। तो हम इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं और अपना दूसरा ट्रेड लेने की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट तो हो गया लेकिन हम कंपैरिजन नहीं कर पाए। चलिए अब अपना सेकंड ट्रेड लेते हैं। यहां पर मैं पहले वीकली एक्सपायरी वाला खरीद लेता हूं, और आप देख सकते हैं कि ये हमारी पोजीशन में आ चुका है और इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी लग गया है। तो चलिए अब अपना जो मंथली एक्सपायरी वाला ट्रेड है उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर फिर से हम 27 मार्च की एक्सपायरी में चले गए हैं और 46,200 का ही पुट ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जिसमें हमारा जो मंथली एक्सपायरी वाला ट्रेड है उसमें हमें ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट हो गया था, तो वो आपको बाद में हम कैलकुलेशन में दिखा देंगे। अभी फिलहाल ये जो दोनों ट्रेड हैं बहुत ही सही टाइमिंग में हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं, जिसमें जो हमारा वीकली एक्सपायरी वाला ट्रेड है वो हमने 333 रुपीज की प्राइस में बाय किया है, और जो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला ट्रेड है वो हमने 489 रुपीज की प्राइस में बाय किया है, और जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट है वो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसमें हमें 63 रुपीज का लॉस हो रहा है, 51 रुपीज का लॉस हो रहा है, और जो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसमें हमें 456 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इस ट्रेड से पहले ही हम कुछ प्रॉफिट में चल रहे थे, तो इसमें भी हम थोड़े बहुत लॉस में ही हैं। अब फिलहाल हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा टारगेट या कौन सा स्टॉप लॉस पहले एग्जीक्यूट होगा। क्या वीकली एक्सपायरी वाला पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर मंथली एक्सपायरी वाला पहले एग्जीक्यूट होगा। अभी हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है वो 551 रुपीज चल रहा है, एक में 35 का लॉस चल रहा है, दूसरे में हमें 443 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। अब इसमें जो वीकली एक्सपायरी है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उसमें आपको अचानक से प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मंथली एक्सपायरी वाला है वो वीकली के कंपैरिजन में उतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। अभी वीकली एक्सपायरी में हमें 122 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और जो हमारी मंथली एक्सपायरी है उसमें हमें 546 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, खुद से स्टॉक्स का एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक कोर्स बना रखा है जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी में बाय कर सकते हैं, और इवन वहां पर दो वीडियोस तो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अभी हम वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में लॉस में आ गए हैं, 327 रुपीज प्राइस आ गई है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 308 रुपीज में है, और मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में भी हमें लॉस चल रहा है, लेकिन क्योंकि पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो गया था इसलिए वो लॉस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ओवरऑल मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में भी हमें लॉस है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसमें हमारा
हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और हमारा जो मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसमें अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी हम लॉस में आ चुके हैं। अभी 62 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, 15 रुपीज का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इससे पहले लगभग 500 रुपीज का था, अभी 45 रुपीज का हमें प्रॉफिट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी दोनों ही केस में सेम पॉइंट्स गिरा है, लेकिन हमारा वीकली वाला जो स्टॉप लॉस था वो जल्दी हिट हुआ और जो मंथली वाला स्टॉप लॉस है वो अभी हिट नहीं हुआ है और वापस से अभी प्राइस रिकवर कर रही है और प्राइस बढ़कर 464 रुपीज पहुंच गई है। 448 पे प्राइस है, 447 रुपीज 60 पैसा, 446 पे हमारा स्टॉप लॉस है, 450 रुपीज पे वापस प्राइस चली गई। स्टॉप लॉस के बार बार पास आने के बाद प्राइस बढ़ी है और अब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हम इस ट्रेड के बाद ओवरऑल 489 रुपीज के लॉस में है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन था उसमें हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट हुआ था और जो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन था उसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत लेट हिट हुआ। तो सेकंड ट्रेड में हमें वीकली और मंथली दोनों में ही लॉस हुआ। यहाँ पर हमें अमाउंट को कंपेयर नहीं करना है क्योंकि मंथली में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर ज्यादा प्रॉफिट एंड ज्यादा लॉस तो होगा ही। हमें सिर्फ ये कंपेयर करना है कि प्रॉफिट होने के चांसेस कहां पर ज्यादा हैं। तो इस ट्रेड में वीकली में जो हमारा स्टॉप लॉस था वो जल्दी हिट हुआ था। अब इसके बाद जैसे ही हम थर्ड ट्रेड लेने गए तो वहां पर एक नई प्रॉब्लम आ गई और वो प्रॉब्लम मार्केट की तरफ से नहीं थी, वो हमारी साइड से थी। तो चलिए अपना अगला ट्रेड लेते हैं। इस बार मार्केट थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और कॉल ऑप्शन को बाय करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें डिफरेंस क्लियरली देखना है। तो हमारा आपको दिखाई दे रहा है कि जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और इसमें हमें 22 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। तो वीकली ट्रेड तो हमने ले लिया, लेकिन दिक्कत आई मंथली ट्रेड को लेने में। अब क्योंकि जिस डीमैट अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा था उसको मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए रखता हूं, इसलिए उसमें मैंने ज्यादा फंड नहीं रखा था, तो हमारा फंड कम पड़ गया और हमें जल्दी से फंड ऐड करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि हमने 5000 रुपीज यहां पर ऐड कर दिए हैं। अभी जो फिलहाल हमने ट्रेड ले रखा था उसमें हमें 144 रुपीज का लॉस चल रहा है, 122 रुपीज का, 111 रुपीज का। तो चलिए अब हम 46,300 की एक्सपायरी का एक लॉट बाय कर लेते हैं। तो यहां पर हमने अपना ऑर्डर लगा दिया है जो कि अभी फिलहाल पेंडिंग में नजर आ रहा है। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसमें हमें 249 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है और जो हमारा वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसमें हमें 99 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, 73 रुपीज का प्रॉफिट, 47, 13। वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में हमें लॉस दिखाई दिया है जबकि मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में अभी हम 128 रुपीज के प्रॉफिट में हैं। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो एक जगह पे 580 रुपीज का है और दूसरी जगह पे 305 रुपीज का है और एक में जो हमारा टारगेट है वो 354 रुपीज का है और दूसरे में जो हमारा टारगेट है वो 675 रुपीज का है। एक में हमें अभी 42 रुपीज का लॉस चल रहा है, दूसरे में हमें अभी 54 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, 42, 16 रुपीज का प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारी बाय करने की टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आया था, लेकिन जब हमने बाय किया था तो ऑलमोस्ट जो हमारा वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन था वो अपनी प्राइस के आसपास ही चल रहा था। वीकली में हमें 136 रुपीज का लॉस चल रहा है जबकि हमने इन्वेस्टमेंट मंथली वाले में ज्यादा कर रखी है, तो हमें लॉजिकली तो मंथली वाले में ज्यादा लॉस चलना चाहिए था लेकिन हमें वीकली में ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। 317 रुपीज पे प्राइस चल रही है, 314 रुपीज, 313 रुपीज। वीकली एक्सपायरी वाला जो ऑप्शन है उसकी प्राइस 309 आ गई है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 305 रुपीज पर है और ये मुझे लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होते होते रहा है और हमारा जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है जबकि जो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसकी प्राइस अभी 614 रुपीज चल रही है और हमने उसे 628 रुपीज की प्राइस में बाय किया है। दोस्तों अब आप सबसे सरप्राइजिंग चीज देखो, हमारे वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शन के स्टॉप लॉस को हिट हुए हुए बहुत देर हो चुकी है जबकि जो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, प्राइस गिरी, दोबारा से रिकवर करी और अब हम इसमें प्रॉफिट में आ चुके हैं। इसमें हमें 186 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, हमने 628 रुपीज की प्राइस में बाय किया था, 670 रुपीज प्राइस जा चुकी है, 671 रुपीज, 667 रुपीज। हमारा जो टारगेट है वो 675 रुपीज का है, यहां पर हमारा टारगेट तक अचीव हो सकता है 6 और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है। आप सोच रहे हो कि कितना सरप्राइजिंग था ये कि हमने वीकली ऑप्शन को बाय किया, सेम कॉल ऑप्शन को, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और जो हमारा मंथली वाला ऑप्शन था उसमें हमारा टारगेट हिट हो गया और इस ट्रेड में हमें 691 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है जिसके बाद जो हमारा ओवरऑल लॉस था वो घटकर 186 रुपीज पे आ गया है। अब दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि जो मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा ना इसमें मैं स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो सेम पॉइंट्स का रखूं दोनों ही ट्रेड में। अभी तक हम परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे थे, अब हम प्राइस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो चलिए अपना अगला ट्रेड लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमने 494 रुपीज की प्राइस में बाय किया है, 520 का हमारा टारगेट है और 460 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है। तो अब मैं वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन भी बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक लॉट बाय कर रहा हूँ और इस जगह पर भी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो सेम पॉइंट्स का होगा। यहाँ पर मेरा 300 रुपीज का स्टॉप लॉस है और 360 रुपीज का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। और ये जो हमारा ट्रेड है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमने 494 रुपीज की प्राइस में बाय किया है, प्राइस अभी 472 रुपीज चल रही है। ये हमने 327 रुपीज की प्राइस में बाय किया है और प्राइस अभी 317 रुपीज चल रही है। दोनों में हमें लॉस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे दोनों स्टॉप लॉस कब हिट हुए में हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। इवन मैं नोट तक नहीं कर पाया कि मैंने किस प्राइस पे बाय किया और किस प्राइस पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। बट इस ट्रेड के बाद हमें 1251 रुपीज का लॉस हो चुका है। एक्चुअल में ना इस एक्सपेरिमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम एक ट्रेड ले रहे हैं तो तब तक प्राइस बढ़ या घट जा रही है, दूसरा ट्रेड लेने जा रहे हैं तब तक कई बार क्या हो रहा है कि स्टॉप लॉस ही हिट हो जा रहा है, तो हम दूसरा ट्रेड ले ही नहीं पा रहे हैं। अब अगर मुझे दोनों ट्रेड को एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो इसका भी एक ऑप्शन होता है जो होता है ऐड टू बास्केट। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको बास्केट में ऐड कर लेता हूं तो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी कि मैं स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ नहीं लगा पाऊंगा। तो जब तक मैं स्टॉप लॉस लगाने जाऊंगा उस टाइम तक हो सकता है कि प्राइस बहुत तेजी से गिर जाए और हमारा आधी से ज्यादा कैपिटल वाइप आउट हो चुकी हो। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है उसमें हमने ये चीज नोटिस की है कि जो हमारा वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है जिसको एक्सपायर होने में अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, वहां पर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से घट रही है, जिस वजह से अचानक से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। जबकि जो मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसमें प्राइस वीकली के कंपैरिजन में काफी स्लो मूव कर रही है। चलिए अब अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। अब यहां पर मैं चाह रहा हूं कि मैं एक परफेक्ट ट्रेड लूं। इसके लिए मैंने 2 पेंडिंग ऑर्डर लगा रखे हैं, जिसमें एक जो हमारा वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है वो हमने 330 रुपीज की प्राइस में लगाया है और जो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है वो हमने 630 रुपीज की प्राइस में लगाया है। और यहां पर हमारा जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है ये अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 300 का होगा, टारगेट 360 का होगा। और मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 600 रुपीज का और जो टारगेट होगा वो होगा 660 रुपीज का। अगर ये दोनों ट्रेड एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर हम इजीली जज कर पाएंगे। तो हमारा एक जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है जो कि हमारा मंथली एक्सपायरी वाला है। अब वीकली एक्सपायरी वाला जो हमारा ट्रेड है वो देखते हैं कि कब एग्जीक्यूट होगा, और वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। दोनों इस बार सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हुए हैं। हमारा 30 रुपए का टारगेट है और 30 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब बस ये देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है और किस में पहले हिट होता है। आज मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, तो अचानक से प्रॉफिट हो रहा है, अचानक से लॉस हो रहा है। अभी हमें वीकली एक्सपायरी वाले ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, जबकि मंथली एक्सपायरी वाले ट्रेड में भी अब हमें अचानक से प्रॉफिट हो गया है। दोनों में हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। एक में हमें 92 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, दूसरे में हमें 36 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। अभी हमें मंथली एक्सपायरी वाले जो ऑप्शन है उसमें लॉस चल रहा है, जबकि वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में हमें प्रॉफिट चल रहा है 336, 334। वीकली एक्सपायरी वाला जो ऑप्शन है इसमें प्राइस 350 रुपीज पे आ गई है, 360 का हमारा टारगेट है, 351 रुपीज, 351, 353, 352, 350, 351। वीकली ऑप्शन की प्राइस 352 रुपीज चल रही है, 353, 356, 350, और दोनों में हमारा टारगेट अचानक से हिट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा लॉस है ओवरऑल वो घटकर 355 रुपीज हो चुका है, जो कि इससे पहले 1200 रुपए का था। तो आपने एक चीज नोटिस की कि इससे पहले वाला जो ट्रेड था उसमें हमारा वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में स्टॉप लॉस कितनी जल्दी हिट हुआ था, जबकि दोनों ही केस में हमारे जो टारगेट थे वो लगभग एक ही टाइम पर अचीव हुए थे। चलिए अब अपना नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से 46,600 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। पहले मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन को बाय करते हैं। तो ये मैंने अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया है। अब इसी के साथ मैं अपना जो दूसरा ऑर्डर है यानी जो हमारा वीकली एक्सपायरी वाला ऑर्डर है उसको भी प्लेस कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पर जो मंथली एक्सपायरी वाला ऑर्डर था वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसमें हम प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। अब हमारे दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं और दोनों बिल्कुल सही प्राइस में एग्जीक्यूट हुए हैं। मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन 327 रुपीज चला गया है, 335 पे हमारा टारगेट है। वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन 622 रुपीज पे चल रहा है, 635 पे हमारा टारगेट है, 324, 325, 326, 327। अभी हम ओवरऑल 98 रुपीज के लॉस में हैं, 95, 152, 162 का लॉस चल रहा है, 142 रुपीज का लॉस चल रहा है, 141। प्राइस अभी घटकर 288 रुपीज पे आ चुकी है और ये 585 रुपीज पे आ चुकी है, और हमारा जो लॉस है वो बढ़कर 1000 रुपीज हो चुका है। प्राइस 282 रुपीज पे आ गई है, 270 पे हमारा स्टॉप लॉस है, 278, 275, 281, और यहां पर हमारा 570 पे स्टॉप लॉस है। हमारा स्टॉप लॉस हिट होते होते रहा है, यहां पर 286 रुपीज, 290। अब वापस से प्राइस रिकवर हुई है और हमारा जो लॉस है वो घटकर 249 रुपीज पे आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा
प्रॉफिट में आए हैं, 183 रुपीज प्रॉफिट चला गया है। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 635 रुपीज का है और यहाँ पर हमारा टारगेट 335 रुपीज का है। तो प्राइस अभी अपने टारगेट की तरफ जाने लग रही है, प्राइस अभी बढ़कर 327, 328, 330 रुपीज चली गई है। 335 पे हमारा टारगेट है 323 और ये 618 चली गई है। 635 पे हमारा टारगेट है 618, 331, 332, 329, यहाँ पे 626, 328, 330, 333 और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है। दोनों टारगेट हमारे फिर से अचीव हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके बाद हम 588 रुपीज के प्रॉफिट में हैं। अब इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना एक चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जो मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन होता है उसकी प्राइस जब गिरती है तो वो बहुत स्लो स्लो गिरती है, जब बढ़ती है तो शुरुआत में स्लो बढ़ती है लेकिन एक बार बढ़ने लगे तो फिर वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। और जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन होता है उसकी प्राइस बढ़ती भी तेजी से है, गिरती भी तेजी से है। तो 6 ट्रेड लेने के बाद ये तो क्लियर है कि अगर आप वीकली ऑप्शन को बाय करेंगे तो इसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगी और बहुत तेजी से गिरेगी, और अगर आप मंथली ऑप्शन को बाय करेंगे तो इसकी प्राइस वीकली के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो गिरेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ऑप्शन के प्रीमियम में ना बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू तो दोनों ऑप्शन में सेम रहती है लेकिन क्योंकि वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शन को एक्सपायर होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे जबकि जो मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन था उसको एक्सपायर होने में पूरे 10 दिन बचे हुए थे, इस वजह से मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में टाइम वैल्यू ज्यादा थी जिस वजह से वो महंगा भी मिल रहा था, और वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शन में टाइम वैल्यू कम थी इस वजह से वो सस्ता भी मिल रहा था। बट अगर ध्यान से सोचा जाए तो भले ही मंथली ऑप्शन में टाइम वैल्यू ज्यादा है लेकिन बैंक निफ्टी तो वीकली के लिए भी बराबर गिरा है और मंथली वाले ऑप्शन के लिए भी बराबर गिरा है, तो ऐसे में परसेंटेज की टर्म्स में तो दोनों में सेम चेंज आना चाहिए था। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस 7.5% था तो दोनों की प्राइस 7.5% गिरनी चाहिए थी और दोनों में ही स्टॉप लॉस हिट भी होना चाहिए था। बट हमारा जो थर्ड वाला ट्रेड था उसमें वीकली में तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन जो मंथली वाला ऑप्शन था उसकी प्राइस स्टॉप लॉस जितना नहीं गिरी और बाद में वापस बढ़ गई जिसके बाद उसमें टारगेट हिट हो गया। तो ऐसा होने के पीछे का जो मेन रीजन था ना वो था थीटा, जो कि वीकली वाले ऑप्शन में अप्रोक्स -100 था और मंथली वाले ऑप्शन में अप्रोक्स -30 था। तो देखो भले ही बैंक निफ्टी बढ़ा हो या फिर घटा हो लेकिन जो टाइम है वो दोनों केस में घट ही रहा है, और ऐसे में जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसका टाइम बहुत तेजी से घट रहा है जिस वजह से उसकी प्राइस तेजी से गिरती है जबकि जो मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन होता है उसकी प्राइस उतना तेजी से नहीं गिरती है। तो दोनों ही केस में बैंक निफ्टी तो सेम बढ़ा है या फिर सेम घटा है लेकिन क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसको एक्सपायर होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे जिस वजह से उसका जो थीटा डीके था वो -100 था और जो मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन था उसका जो थीटा डीके था वो -30 था। यानी जो हमारा वीकली एक्सपायरी वाला ऑप्शन है उसमें जो टाइम की वैल्यू थी वो तेजी से घट रही थी जिसकी वजह से उसका जो प्रीमियम था वो फास्ट घट रहा था मंथली के कंपैरिजन में। तो क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो बेटर रहेगा कि आप वीकली ऑप्शन के कंपैरिजन में मंथली में ट्रेड करें क्योंकि इसमें आपको टाइम ज्यादा मिलेगा और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आप कौन सा एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और अगर आप बाकी एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।